हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत के अंदर चार यूरोपियन पावर्स आते हैं। उनमें हैं पोर्तगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश, उन्हें हम ब्रिटिश भी बोलते हैं। और उसके बाद ये चारों पावर अपने अस्तित्व के लिए भारत में आपस में भी लड़ते हैं और यहाँ के लोकल पिछले स्टेट से भी लड़ते हैं। और इनमें मुख्य थे फ्रेंच और ब्रिटिश की राइवलरी, जो कर्नाटक वार्स कहलाती थी। और जो कर्नाटक है वो साउथर्न तमिलनाडु है, उसका उसका प्लेस है साउथर्न तमिलनाडु है, वो हिस्सा कर्नाटक है और उसकी राजधानी आरकोट थी। उसके बाद जब 1960 में वांडिवास के युद्ध के साथ जब कर्नाटक वार का एंड होता है, तो जो फ्रेंच है वो उनको भारत में केवल एक व्यापार के लिए रह जाते हैं और उनको भारत में स्टैंडिंग आर्मी और फोर्टिफिकेशन की इजाज़त नहीं मिलती। और उसी के बाद हमने जो ब्रिटिश है उसके एक्सपेंशन को भारत के अंदर हम देखेंगे। जो भारत के अंदर ब्रिटिश का एक्सपेंशन है वो मेनली चार फेजिस में है। मैं आपको मैप के जरिए बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा भारत का नक्शा है, ओके, ये गुजरात है, थोड़ा मैप सिंबॉलिक है, ओके। जो ये बंगाल है, फर्स्ट स्टेप में ये जो बंगाल का एरिया है ना उसके ऊपर अपना अधिकार करेंगे, जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की युद्ध के साथ बंगाल के ऊपर ब्रिटिश का कब्जा होगा। उसके बाद सेकंड ये जो मैसूर है उसके ऊपर कब्जा करेंगे, मैसूर के कब्जा करेंगे। यहाँ पर उनको हैदर अली और टिपू सुल्तान के साथ लड़ाइयाँ होंगे, जो मैसूर और एंग्लो मैसूर वार कहलाएंगे। उसके बाद ये थर्ड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप में बंगाल, सेकंड स्टेप में मैसूर और थर्ड स्टेप में मराठा। थर्ड स्टेप में ये मराठा एम्पायर के ऊपर कंट्रोल करेंगे। और जो मराठा एम्पायर है उसमें आप गोलवाकर और सिंधिया ये काफ़ी, और जो पेशवा के पदवी थी उसके ऊपर पेशवा के बाजीराव वगैरह, इनको हम देखने को मिलेंगे, नाना साहेब, इनको हम पढ़ेंगे, ओके। जो फोर्थ में जब सिख के ऊपर कंट्रोल करने के बाद, जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह होते हैं, सिख एम्पायर कंट्रोल करने के बाद जो ब्रिटिश है लगभग पूरे भारत के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद वो मेजर एक्सपेंशन नहीं करते और जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह होते हैं वो सेवरल अलायंसेस के द्वारा, जो सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अपने अंदर मिला लेते हैं और उन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाता है, ओके। चलो अब हम इस वीडियो में हम बंगाल को पढ़ते हैं। कि बंगाल के अंदर ब्रिटिश ने कैसे अपना एक्सपेंशन किया, बंगाल के अंदर ब्रिटिश का एक्सपेंशन एक 1717 का फरमान है वो एक मुख्य कारण बना। जैसे 1717 के अंदर एक फर्रुख सियार ने फरमान जारी किया था, किसने, फर्रुख सियार ने, फर्रुख सियार मुगल एम्परर था जो औरंगजेब के बाद 1713 से 1719 तक मुगल एम्पायर का एम्परर रहा था। 1717 के अंदर जब अंग्रेज फर्रुख सियार के दरबार में गए तो वहाँ पे जो फर्रुख सियार था वो एक बीमार से ग्रसित था और जो अंग्रेजों के पास एक सर्जन होने के कारण उन्होंने उसका इलाज किया, तो मुगल एम्पायर ने उन्हें उनसे खुश होकर एक फरमान जारी किया उनके लिए। और उस फरमान में था, एक तो उन्हें दस्तक एक फ्री पास है जो बंगाल के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। दस्तक में जो ब्रिटिश थे वो फ्री ट्रेड करते थे, एक तो खुद के लिए फ्री ट्रेड करेंगे और फिर बाद में दस्तक वे दूसरे व्यापारी थे, एक तो जो मर्चेंट के कर्मचारी होंगे उन्हें अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए दस्तक का इस्तेमाल दिया जाता था और दूसरे मर्चेंट्स होंगे उनको भी वो दस्तक यूज करने का अधिकार ये ब्रिटिश दे देते थे। इससे काफ़ी करप्शन होता है और जो बंगाल के अंदर रिवेन्यू का काफ़ी शॉर्टफॉल होता है
इससे इसी के कारण जो दूसरे मर्चेंट्स भी होंगे वो इससे खुश नहीं होंगे और इनके बंगाल और ब्रिटिश के अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो 1717 का फरमान है वो एक मुख्य कारण बना था जो ब्रिटिश और बंगाल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, जो ये दस्तक रिपास टू दस जो ब्रिटिश दस्तक का यूज दूसरों को देने के लिए भी करते थे, और इसी के साथ इसी के अंदर ब्रिटिश को एक और दिया गया था राइट, वो था मिंटिंग ऑफ कॉइन का। अब जो ब्रिटिश थे वो अपने कॉइन चला सकते थे, इसका मतलब कि फर्रुखसियार ने ब्रिटिश को एक अलग से करेंसी दे दी जो बंगाल के अंदर वैलिड होगी, ताकि वो अपना एक पैरेलल करेंसी डेवलप कर सके। तो इससे अगर कोई भी अपने टेरिटरी में पैरेलल करेंसी यूज करेगा तो सिंपल ये उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना जायज है, और जो 1717 का फरमान है वो एक मेजर कारण बना जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर का, जिसे भारत के अंदर जो ब्रिटिश है बंगाल के अंदर अपना फर्स्ट फेज में बंगाल के ऊपर कब्जा कर पाए। ओके, अब आगे देखते हैं। जब ये 1717 के अंदर फरमान दिया गया फर्रुखसियार के द्वारा, तो आगे 1756 के अंदर एक नवाब होता है, उसका नाम है सिराजुद्दौला। 1756 के अंदर नवाब होता है सिराजुद्दौला, ओके। सिराजुद्दौला जब ब्रिटिश के जो शोषण चल रहा था कि भाई उनको फ्री पास था, जो लोकल मर्चेंट्स थे इन्हीं की कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो बंगाल के नवाब है और ब्रिटिश के अंदर एक छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, और उसके नतीजे में तकरीबन 16 जून को 1756 में सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पे अटैक करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। ओके, फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और वहाँ पे जो बचे अंग्रेजों को मार के भगाते हैं, और जो बचे कुचे होते हैं उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और जब उनको उस कमरे से बाहर निकाला जाता है तो उनमें सफोकेशन के कारण, दम घुटने के कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है। तो उसी उसी इवेंट को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के इवेंट से जाना जाता है। ओके, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो ये जो भी ये मृत्यु हुई थी उस कमरे के अंदर, इस इवेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। सो इस इवेंट के बाद अब ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश चुप तो बैठने वाले नहीं कि उनके बंदे मारे गए हैं, और उन्हें एक अच्छा खासा कारण भी मिल जाता है कि बंगाल के ऊपर अटैक करने का। ओके, तो अब ब्रिटिश को जब ये कारण मिला बंगाल के ऊपर अटैक करने का, तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर बंगाल की तरफ कूच करता है मद्रास से, और यहाँ पर आकर रॉबर्ट क्लाइव वापिस से यहाँ पर आकर जो रॉबर्ट क्लाइव ना फोर्ट विलियम को वापस से कैप्चर कर लेता है। जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश की सेना काफ़ी वेल डिसिप्लिन्ड थी और स्ट्रॉन्ग भी थी, तो उन्होंने यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं फोर्ट विलियम को कब्जे करने में। और इस फोर्ट विलियम को कब्जे करने के बाद जो ब्रिटिश है और नवाब के बीच में संधि होती है, उस संधि को हम कहेंगे ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रिटी ऑफ अलीनगर ये यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है यहाँ पे एक डायरेक्ट कंक्लूसिव फाइट में नहीं पहुँचते हैं। जो ब्रिटिश ब्रिटिश का एक सिंपली रूल था कि पहले वो लड़ाई करेंगे, और उस लड़ाई में वो डायरेक्ट कंक्लूसिव रूल पे नहीं पहुँचे हैं कि या तो वो रहेंगे या हम। वो लड़ाई करते हैं, उनको हराते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो संधि करते हैं। ओके, और संधि में ये होगा कि
जो भी सत्र अलीगढ़ यहाँ पे जो अलीनगर की संधि हुई है इसके अंदर ये होगा कि जो भी 1717 के अंदर फर्रुख शिया के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था उसको यहाँ पे रिस्टोर कर दिया जाता है। फर्रुख शिया के द्वारा 1717 में जारी किया गया फरमान को रिस्टोर कर दिया जाता है। और उसी के साथ जो ब्रिटिश है यहाँ पे, जैसे कि बंगाल के नवाब ने फोर्ट विलियम पे अटैक किया था, तो अब वो परमिशन के साथ यहाँ पे जो फोर्ट है, फोर्टिफिकेशन है, किलाबंदी करेंगे। और उन्हें यहाँ पे ईस्ट ड्यूटी में किस बात की परमिशन मिलती है बंगाल के अंदर, वो होती है फोर्टिफिकेशन की। ओके, और फिर उनकी आर्मी की, वो अपनी आर्मी भी रख सकते हैं। तो इसी तरह रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव भारत के बंगाल के अंदर अपने स्टेप्स आगे बढ़ाता है, और इस अलीनगर की संधि के साथ है वो अपने जो पुराने अधिकार थे उनको रिस्टोर करवा लेते हैं। लेकिन ये बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है, लेकिन इस अलीनगर की संधि के बाद ये एक और काम करते हैं, कॉन्स्पिरेसी रचते हैं बंगाल के नवाब के लिए। ओके, जो ब्रिटिश या रॉबर्ट क्लाइव कॉन्स्पिरेसी रचते हैं बंगाल के नवाब के लिए, उस कॉन्स्पिरेसी में क्या होगा कि जो बंगाल का एक जो मिलिट्री होती है ना, उसकी एक पोस्ट थी मीर बख्शी की, मीर बख्शी, मीर बख्शी की पोस्ट है जो मिलिट्री पोस्ट है सबसे बड़ी, वो नवाब के अंडर होगी। नवाब नवाब के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है मिलिट्री की पोस्ट ये है मीर बख्शी की, वो किसके पास होती है, मीर जाफर के पास। मीर जाफर बंगाल के नवाब का मीर बख्शी होता है। ओके, वो मिलिट्री अध्यक्ष होगा मीर जाफर, इस तरह कहें तो। और इसके बाद तीन बंदे और थे, एक था मानिक चंद, और एक था आमिर चंद। जो मानिक चंद है वो था एक हायर रैंक ऑफिसर था कलकत्ता के अंदर, और जो आमिर चंद था वो एक बड़ा मर्चेंट था बंगाल का, व्यापारी। ओके, लेकिन एक और बंदा था जो एक बैंकर था, उसका नाम है जगत सेठ। बैंकर वो कौन है, जगत सेठ। जो ब्रिटिश है ना, इन चारों बंदों को, जो मीर जाफर होगा, मानिक चंद होगा, आमिर चंद, जगत सेठ, इनको अपने कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर लेते हैं। और जब भी ये आमने रोबर रॉबर्ट क्लाइव सेना या ब्रिटिश सेना जब बंगाल के नवाब के सामने होगी, आपस में लड़ेंगे, तो जो मीर जाफर है वो अपनी सेना को आगे युद्ध में नहीं जाने देगा, और जो अदर ऑफिसर्स और मर्चेंट्स और बैंकर हैं वो बंगाल के नवाब की सहायता नहीं करेंगे, चाहे उसे पैसे में या कोई और भी सहायता चाहिए होती है युद्ध के समय, वो उनको साथ बंगाल के नवाब को सहायता नहीं मिलती है। तो इसी के कारण वो युद्ध हार जाता है, और जो युद्ध हारता है वो होता है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। जो बैटल ऑफ प्लासी है उसमें बंगाल का नवाब हार जाता है। और जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कब होती है, वो जून में होती है, जून 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर जब ब्रिटिश और बंगाल के नवाब की सेना आपस में भिड़ती है, तो इसमें बंगाल के नवाब की हार होती है। लेकिन ब्रिटिश ने पहले ही कॉन्स्पिरेसी रच रखी होती है, तो जो मीर बख्शी के अंदर सेना होती है वो सेना उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करती। और जब बंगाल के नवाब के साथ युद्ध स्टार्ट होता है, तो कुछ ही समय में, या ये कहें कि युद्ध न के बराबर ही होता है, तो बंगाली उसमें थोड़े बहुत सैनिक मरते हैं, और उसी के साथ बंगाल का नवाब की भी हत्या कर दी जाती है, और इस बैटल ऑफ प्लासी का अंत हो जाता है।
अब ये भी कहा जाता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो असल में युद्ध लड़ा ही नहीं गया था, और कॉन्स्पिरेसी के कारण ही उस युद्ध को जीत लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। जब सिराज उदौला की मृत्यु होती है तो बंगाल की नवाब की पोस्ट है वो खाली हो जाती है, तो उसके बाद जो बंगाल का नेक्स्ट नवाब बनता है वो बनता है मीर जाफर, जो पहले बंगाल का मीर बख्शी था, जो एक सेना की पोस्ट है, आईआर पोस्ट। ओके, मीर जाफर नेक्स्ट नवाब बनता है बंगाल का। अब ब्रिटिश हैं वो मीर जाफर को एज ए पेट नवाब नियुक्त करते हैं बंगाल का, और इनसे काफ़ी अर्जाना भी ले जाता है युद्ध का, जो बंगाल और ब्रिटिश का अंदर युद्ध हुआ उसका अर्जाना लेते हैं ब्रिटिश, और इसी के साथ इनसे रेगुलर जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो रेगुलर डिमांड रखते हैं। और फिर काफ़ी समय बाद जब ये मीर जाफर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता तो ब्रिटिश नाराज़ हो जाते होते हैं, तो उसके बाद ये इसके इसी के भतीजे को मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। ओके, जब मीर जाफर उनके रेगुलरली उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता ब्रिटिश की, तो अब उससे नाराज होकर ये मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। लेकिन जो मीर कासिम है वो मीर जाफर ज़्यादा एम्बिशियस बंदा था, और वो अपनी नवाबशाही के लिए वो अपनी सेना को तैयार करता है ब्रिटिश लाइन पे, और जो भी जो ब्रिटिश की पेमेंट रोकता है और उनकी जो काफ़ी कंसेशन है उन्हें कम करने की कोशिश करता है, तो इससे जो मीर कासिम की सेना के बीच और ब्रिटिश के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और जब मीर कासिम यहाँ पे इन कॉन्फ्लिक्ट में हार जाता है और यहाँ से वो बंगाल छोड़कर अवध भाग जाता है। ओके, फ्ली टू अवध। अब मीर कासिम जब ब्रिटिश की सेना के सामने टिक नहीं पाता तो वो अवध भाग जाता है, तो इसके बाद वापस से ये ब्रिटिश मीर जाफर को नवाब बना देते हैं, क्योंकि अब ब्रिटिश यही सोच रहे हैं कि भाई मीर कासिम अच्छा मीर जाफर ऋषि, क्योंकि वो युद्ध तो नहीं करेगा ब्रिटिश के साथ। वापस से नवाब बनता है मीर जाफर। लेकिन मीर कासिम का दया यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, लेकिन ये जब अवध जाता है तो वहाँ पे ये फिर से अपना अलायंस बनाता है। ओके, उस अलायंस में ये तीन बंदे होंगे, तीन पावर होंगी, अब उन्हें देखते हैं। वो भी एक बड़े युद्ध का कारण बनेगा जिसके बाद बंगाल के ऊपर ब्रिटिश का कब्जा हो जाएगा। ओके, अब जब मीर जाफर अवध पहुँच जाता है तो वहाँ पे जाके एक अलायंस बनाएगा मीर जाफर। ओके, मीर जाफर अवध पहुँच जाता है वहाँ पे जाके, सॉरी मीर जाफर नहीं, यहाँ पे मीर कासिम है, ये मीर जाफर तो उन्होंने नवाब बनाया था पहले, मीर कासिम। मीर कासिम अवध जाएगा तो वहाँ पे अवध का नवाब होगा शुजाउद्दौला, जो पहले हमारा बंगाल का नवाब था उसी की तरह नाम है, थोड़ा अलग है, वो सिराज उद्दौला, ये शुजाउद्दौला, और प्लस में ये मुगल एम्परर ने शाह आलम सेकेंड। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों एक अलायंस बनाते हैं और ये ब्रिटिश के साथ फाइट करेंगे और अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश अगेंस्ट फाइट करेंगे, तो इस युद्ध में जो ब्रिटिश अकेले ना इन तीनों पावर को हरा देती है। तो अब इसी बात से अंदाजा लगता है कि जब मुगल एम्पायर है और एक बंगा अवध का नवाब है और मीर कासिम, तीनों को अकेले ब्रिटिश हरा देते हैं, तो अंदाजा लग जाता है कि ब्रिटिश इसमें काफ़ी पावरफुल हो चुके होते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश की विन होती है और इन तीनों की बुरी तरह हार होती है। तो इसी के बाद ब्रिटिश का एक रेगुलर रिवाज भी रहा है, जो युद्ध के बाद ये ट्रीटी करते हैं। इस जो भी ये युद्ध होता है
ब्रिटिश और इन तीनों के बीच में ये युद्ध कला था, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ये कब लड़ा गया था? ये 1764 के अंदर है। जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी इसमें ब्रिटिश की जीत होती है और इन तीनों पावर की हार होती है। इस युद्ध के बाद ये भी अलायंस करते हैं किसके साथ है? शालम द्वितीय के साथ है। और इसमें जो अदर पार्टीज मीर कासिम और शुजाउद्दौला, इनमें क्या होता है कि ये ट्रीटी होती है ब्रिटिश और शालम के बीच में। इस ट्रीटी को नाम दिया गया है ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद, ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद, सॉरी अहमदाबाद नहीं, अलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ जो यूपी के अंदर है, अलाहाबाद, ये अलाहाबाद के अंदर ट्रीटी होती है, इसी के नाम है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो ब्रिटिश है इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स ना वो मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स से मतलब है दीवानी राइट्स से मतलब है कि जो भी जमीन के ऊपर टैक्स लेंगे ना, उन्हें हम दीवानी राइट्स कहेंगे। और वो अब किसको मिला देते हैं? ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश पहली बार बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और उड़ीसा के अंदर टैक्स कलेक्शन है स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ ये बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज करते हैं। अब बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज देखेंगे। ओके। और बंगाल की दो पहले के नवाब होता था बंगाल में, उसी के बाद वो एक डेप्यूटी नवाब बना, उसकी पोस्ट क्रिएट करते हैं डेप्यूटी। जो डेप्यूटी नवाब बना उसकी पोस्ट क्रिएट करते हैं। और डेप्यूटी नवाब की पोस्ट क्रिएट होगी तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गई, वो एक तो डेप्यूटी नवाब हो गया और एक नवाब हो गया। और जबकि जो डेप्यूटी नवाब है ना वो ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी, और नवाब तो पहले का होगा ही। और जो डेप्यूटी नवाब की और जो भी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी ना वो सारी डेप्यूटी नवाब के अंदर वेस्ट कर जाती हैं। और जो नवाब बसेवा के दिखावे का प्रतिनिधि हो गया बंगाल का, जो बस एक बेस्ट पोस्ट पे होगा और उसे रेगुलर इनकम होती रहेगी, और डेप्यूटी नवाब सारा कंट्रोल करेगा। अब इसी पैटर्न को हम ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट। अब ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी काफी बार पूछा चुका है कि भी ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बंगाल के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया में। और किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना, फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट था ड्यूअल गवर्नमेंट का वो बंगाल के अंदर आया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और जो रॉबर्ट क्लाइव है ना इसी के साथ तो बंगाल का गवर्नर भी बन जाता है। गवर्नर ऑफ बंगाल जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ तो बंगाल के गवर्नर बन जाता है। ये काफी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अब आपने देखा कि भाई दो गवर्नमेंट या ड्यूअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट बंगाल के अंदर आया था, तो भाई एक तो दिखावे का नवाब हो गया और एक जिसके पास पावर हो गई। अब जो दिखावे का नवाब है ये नवाब विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके पास नवाब के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इनके पास सारे पावर्स होंगी। ओके। अब इसी दौर में गवर्नमेंट के कारण शोषण होता है कि भाई नवाब के पास कोई अधिकार क्षेत्र है नहीं कि वो कुछ करना चाहे तो कुछ कर नहीं सकता जनता के लिए। और जबकि डेप्यूटी नवाब के पास सारी पावर्स होंगी और वो ब्रिटिश का अपॉइंटी है, तो वो जो भी काम करेगा वो ब्रिटिश के हक में करेगा, वो बंगाल की जनता के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो इसी के नतीजा होता है कि जो 1769 से 1773 के अंदर
6 महीने आती है भुखमरी। इसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग मर जाते हैं बंगाल के अंदर। और क्योंकि ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, एक काफ़ी डिजास्टर साबित हुआ था बंगाल के लिए, और इसी फैमाइन में तकरीबन 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। अब इस वीडियो में हमने देखा कि 1717 के फर्रुखसियार के फरमान के द्वारा ब्रिटिश को काफ़ी पावर्स मिलती हैं, और उसी का यूज करते हुए वो बंगाल और ब्रिटिश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और दो युद्ध होते हैं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते ब्रिटिश को, और पूरा कंट्रोल बंगाल के ऊपर हो जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन जाता है, और बंगाल के अंदर एक ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है। ओके, अब हमने ये देखा कि जब ब्रिटिश है इन्होंने बंगाल के अंदर कंट्रोल कर लिया है, और अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि जो मैसूर, मराठा और सिख है, उन स्टेप्स में जो ब्रिटिश हैं भारत के अंदर कैसे कंट्रोल करते हैं। ओके।